गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आप सबको याद होगा कि हमें कुछ भी करके सेमीकंडक्टर्स को और बेहतरीन बनाना है, तो उसके लिए दो टाइप थी, क्या तो आप उसको हीट दो या टेम्परेचर बढ़ाओ, या फिर उसके अंदर इंप्यूरिटी डालो, जिसे हमने डोपिंग बोला था। दोस्तों इसके अंदर ही हम किसको डाल रहे हैं वो डोपेंट्स के हिसाब से ही हमारे पास दो पार्ट आए, एन टाइप एंड पी टाइप। दोस्तों ये थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थ्योरम आपने समझ लिया तो डिफरेंस तो क्लियर होगा ही, साथ साथ बहुत से छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहली बात एन टाइप, आपको लगे सर इसका नाम आपने सबसे पहले एन टाइप क्यों रखा, तो मैं वो अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, एन टाइप के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हमें जो इंप्योरिटी डालनी पड़ती है वो है दोस्तों पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब आपको याद आ गया होगा कि जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो। याद कर दोस्तों, हमने शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई थी फुआ, फॉस्फरस एंटीमनी आर्सेनिक। कौन कौन से एग्जाम्पल, फॉस्फरस एंटीमनी आर्सेनिक। दोस्तों इसमें से सपोज ये अज्यूम कर लो कि मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया है सिलिकॉन का, और उसके अंदर मैंने ये जो इंप्योरिटी डाली है वो है दोस्तों, सपोज आप आर्सेनिक ले लो, तो आर्सेनिक का मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सर 5 हो गए। तो देखो ड्रॉ करते अपने, एक इसके आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, यानी 4 तो अपने नेबर के साथ कनेक्ट हो गए, पर एक इलेक्ट्रॉन बचा। दोस्तों जो ये इलेक्ट्रॉन बचा उसे ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसका मतलब यहां पे जो करंट पास होगा, जो हमें करंट मिलेगा, वो कंडक्शन इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप सब जानते हो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, ये तो बाउंडिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सिलिकॉन के पास ऐसा बोलू कि हर एक इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है, तो इसके पास 5 हो गए, तो ये हो गए उसकी एनर्जी, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी एड हुई। इसका मतलब जो भी करंट मिल रहा है उसके अंदर उसके लिए इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स है। दोस्तों इसकी वैल्यू ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इसका मतलब दोस्तों यहां पे जो भी करंट पास होगा वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इसलिए उसे हम डोनर बोलेंगे। दोस्तों प्लीज याद रखना, ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, इसलिए बोलता हूं एनडी। एन टाइप होगा वो डोनर होगा, एन टाइप होगा वो डोनर होगा, एन टाइप होगा वो डोनर होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसलिए इसके अंदर मेजोरिटी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी कैरियर के हिसाब से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं, और माइनॉरिटी के हिसाब से होल्स रहने वाले। चलो सर ये पक्का हो गया, ये डायग्राम भी हो गया, आर्सेनिक के 5 आपने बॉन्डिंग कर दिया, एक बोर छोड़ दिया, सर ये सिंपल बात हुई। इसके साथ साथ पी टाइप समझा। दोस्तों यहां पे रिपीट करता हूं, एन टाइप क्यों बोला, हियर एन मतलब नेगेटिव। आपको लगे सर नेगेटिव, यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, तो ये नेगेटिव पोर्शन हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसे नेगेटिव के कारण एन टाइप बोला गया। जबकि यहां पे इसको मैंने पी टाइप बोल दिया, पर इसका भी रीजन मैं बाद में बोलूंगा। चलो इसके अंदर हमने कौन सी इंप्योरिटी डाली थी, ट्रायवेलेंट। ट्रायवेलेंट एग्जांपल यम यम यम, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, एंड दूसरा था दोस्तों बोरोन। अब होगा क्या कि सर सोचो आपने यहां पे सपोज एल्यूमिनियम को डाल दिया, तो नॉर्मली जो सिलिकॉन है उसके अपने ये 4 तो हो गई। अब जैसे ही आपने इसको डाला एल्यूमिनियम का, तो ये ग्रीन एल्यूमिनियम का 1, एल्यूमिनियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसके कारण दोस्तों क्या बना, होल बना, क्योंकि 3 है जो बॉन्डिंग में आएंगे,
पर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, उसके कारण यहां पे कौन जनरेट हुआ, होल जनरेट हुआ। तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ते जाएंगे, इसलिए देखो मैंने लिखा नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, यहां पे डोनर था, यहां पे मांगना पड़ता है, इसलिए दोस्तों ये एक्सेप्टर बोला गया। इसलिए याद रखो पा पी ए पी टाइप एक्सेप्टर, पी टाइप एक्सेप्टर, पी टाइप एक्सेप्टर। सर दोस्तों यहां मेजोरिटी तो होल से हो रहा है, तो मेजोरिटी कैरियर यहां पे कौन होगा, होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों मैं आपको समझा हूं तो आपने डिफरेंस वाले पॉइंट भी क्लियर कर दिए, स्ट्रक्चर भी बना दिया, छोटी छोटी बात कौन से डोनर बैंड है, कौन सा एक्सेप्टर बैंड है, वो भी क्लियर हो गया। स्टेटमेंट भी बनाए कि चार इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए, एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए पर एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, इसके लिए यहां पे होल जनरेट होगा और होल करंट को पास करेगा। तो ये दोस्तों इंप्योरिटी हमें डाली कुछ, इसके कारण ये हुआ। टेम्परेचर पे क्या होगा, तो सर वो क्या हुआ कि आपको बैंड थ्योरम समझना पड़ेगा। चलो याद करो, जो नीचे वाला पोर्शन था उसे हम वैलेंस बैंड बोलते थे, एन टाइप के अंदर वो सारे इलेक्ट्रॉन से भरे हुए थे और बाकी के इलेक्ट्रॉन डोनर बैंड, जो हमने यहां पे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करके बोला है, वो नया बैंड आया डोनर बैंड। किसके नजदीक है, कंडक्शन बैंड के नजदीक है। कितनी गैप है, 0.05 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये पोजीशन 0 केल्विन पे होगी, यानी नॉर्मल 0 केल्विन होगा तब, पर जैसे ही दोस्तों आप रूम टेम्परेचर पे लेके आए, इसका मतलब 25 से लेके 35 या 30 तक का सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ये रूम टेम्परेचर में आ गया, तो सर इसका केल्विन तो बढ़ जाएगा। सर इसका मतलब ही ये हुआ कि रूम टेम्परेचर में आएगा तो जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे, वो सारे एनर्जी को लेके चले जाएंगे अपने जो ये कौन सा बैंड था, डोनर बैंड। थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जिनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो चले जाएंगे अपने कंडक्शन बैंड के अंदर, यानी टेम्परेचर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ी, स्पीड बढ़ी। जबकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, आप देख सकते हो यहां होल जनरेट होना स्टार्ट हो गया, जबकि पी टाइप में ऐसा नहीं है। सर पी टाइप में तो वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या होगा, होल, हाँ, वैलेंस बैंड के नजदीक आएगा एक्सेप्टर बैंड। रिपीट दोस्तों, वैलेंस बैंड के नजदीक आएगा एक्सेप्टर बैंड, जहां पे आपके होल मौजूद होंगे। यहां पे याद करो दोस्तों, ये पूरा भरा हुआ था, कंडक्शन बैंड के नजदीक डोनर बैंड था, यहां वैलेंस बैंड के नजदीक एक्सेप्टर बैंड आया। एनर्जी गैप दोस्तों 1.1 इलेक्ट्रॉन, दोस्तों ये 0 केल्विन टेम्परेचर की बात है। जैसे ही दोस्तों रूम टेम्परेचर में चले जाओगे, उस सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर, यानी वैलेंस बैंड से शायद वो लोग एक्सेप्टर बैंड में आए, और भी ज्यादा एनर्जी आएगी तो कंडक्शन बैंड में आएंगे। इसका मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन जब मर के यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, दोस्तों उसका मतलब यहां भी होल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा सर ये थ्योरम आपने कितने इजीली पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दी, इसके लिए अगर आप टेक्स्ट बुक या कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट 5 पेजेस इसके अंदर है, तो सारी चीज आपको पढ़ने ना पड़े, इसलिए मैंने आपको बहुत ही छोटे तरीके से ये सारी चीजें शॉर्ट शॉर्ट में पूरा क्लियर करवा दिया। अब आप वो कोई भी मटेरियल पढ़ोगे तो सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस भी आ गया, सेपरेट थ्योरम भी आ गया, MCQs भी आ गया, तो प्लीज 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 माय डियर स्टूडेंट्स, इसको 2-3 बार अच्छे से देखना और एक बार लिख देना।